कलर का न्यू डिजाइन बनाएंगे। ग्रीन वाली शर्ट है, इसके हम ये ब्लू कलर के लूप्स लगा के गला बनाएंगे, जिसके लिए गला हमने ऊपर से 8 इंच के लेंथ में 7 इंच पे काट लिया है। ये तकरीबन गले की चौड़ाई 1/2 इंच है। इसको हम अखबार पे चिपका के गले की डिजाइनिंग के लिए हम 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ये गले का न्यू डिजाइन बनाएंगे। ये वाली शर्ट है, इसके हम ये ब्लू कलर की लूप्स लगा के गला बनाएंगे, जिसके लिए गला हमने हम 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा चूजा है जो हम बटन कम करते हैं। एक लाइन हम एक पैर पर छोड़ते हुए नीचे लगा देंगे। ये ब्लू कलर की रेबदार पट्टी है जो हमने करीबन 1.5 इंच काट ली है। 1.5 इंच की चौड़ाई में हमने इसको काट लिया है। इसके एक साइड पे सिलाई लगा देंगे, नीचे लगा देंगे। एक एक पैर की रखते हुए लंबाई आएगी। हम इन गले में डिजाइन करेंगे इन लूप्स की, और इसको स्टिच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गले को हमने सिलाई इस तरह से हमने लगा ली है। अब हम इसकी गले पे पाइपिंग करेंगे। ये हमारा चूजा है जो हमें बर्फा काम करता है। तो हम एक एक पैर की रखते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गले को हमने शर्ट पे चिपका के काट लिया है। बिल्कुल चड्डी के साथ साथ अब हम ये ब्लू कलर की बिल्कुल अरे प्लस साथ साथ सिलाई लगा दी है जो हमने करीबन 1.5 इंच सिलाई वाली साइड इस तरफ होगी। रेड सिलाई वाली साइड पे पाइपिंग करके रखेंगे। नीचे रखे हुए ऊपर हम तकरीबन 1/2 पैर ही सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। अब हम इसको पलट के गले को पाइपिंग बनाएंगे। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। दो इंच की लेंथ पे हम अपने रूट्स को काट लगाएंगे। दो तरफ हमारी रूट्स की लेंथ होगी। ये हमारी 2 इंच की लेंथ है। ये हमारी 2 इंच की लेंथ है। सारी लूप्स एक ही साइज की काट लेनी है। दो इंच के साइज की हमने सारी लूप्स काट ली है। अब हम इनको गले की डिजाइनिंग के इस्तेमाल करेंगे।
हमने ये जो निशान लगाया था वो तक हमारी बूट्स की लेंथ होगी। गले को हमने गले को पाइपिंग कर ली है, कितनी मीटर कितनी प्यारी बनी हूँ। हम दूसरे स्टेप को शुरू करते हैं, जो कि 2 इंच के साइज की हमने सारी लूप्स का इस तरह से होगा हमारा। इन लूप्स के दरमियान में सीधी लूप्स रखते हुए उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से दूसरी साइड से लगाते हुए वापस आ जाएंगे। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाते हुए वापस आ जाएंगे, दूसरे स्टेप को शुरू करते हैं। जो के इस तरह से होगा हमारा। स्लाइड को साफ साफ रखते हुए दरम्यान में से कटिंग कर देंगे। छोटा टंका करते हुए एक सिलाई हम कच्चा करने के लिए ऊपर और लगाएंगे, ताकि हमारे यूएस ठीक से रहें। ये हमारा गला बनके तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आप और नए गलों की डिजाइनिंग सुन सके।